एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी सर्विस में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे LT का एग्ज़ाम की कंडक्ट करवाया गया था 14 नवंबर को, जिसका GK सेक्शन जो है वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन निम्न में से कौन था। तो समुंदर गुप्त इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत का नेपोलियन जो है वो इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाणक्य को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। तो सभी को पता है विष्णुगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध जो है वो किस वर्ष में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764 में बक्सर का जो है वो युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनस्वदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो ये जो प्रणाली है ये अकबर ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 अगस्त 1945 को भारत पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। तो अमेरिका द्वारा जो है वो जापान के ऊपर पहला एटम बम जो है वो गिराया गया था जापान के ऊपर, तो जापान के किस शहर में। तो हिरोशिमा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तराहिन का युद्ध जो हुए थे, जिसमें पहले जो था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो है वो आपस में लड़े थे। तो पहले जो था वो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और बाद में जो वो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित किया था और उसे बंदी बना के जो है अफगानिस्तान ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रघुपति राघव राजा राम गीत की रचना किसने की थी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, त्रिलोकपुर। तो आई होप आप सभी को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही होगी, और जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बता दूं कि हमारा HP टैट का जो आपके पास आर्ट्स और नॉन मेडिकल का 2022 का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7591046600, हमारा व्हाट्सएप पे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और पुलिस कांस्टेबल की भी कोचिंग जो है वो कल से उनकी क्लासेस भी प्रॉपरली लग रही है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इसी नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सार्क की स्थापना कब की गई थी। तो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, जिसकी जो आपके पास स्थापना जो है की गई थी 1985 में, और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन था। तो बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौरस, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही जो ये वीडियो जो है वो आने वाले टैट, जैसे लाइक आपका JBT टैट हो गया या फिर मेडिकल का हो गया, उनके लिए भी एनालाइज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सभी जो है वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा किसके बीच में स्थित है। तो कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में जोजिला दर्रा जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल कितने महाद्वीप हैं। तो आपके पास टोटल जो है वो महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7, 7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान को चढ़ते सूरज का देश जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पे पारित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नागपुर जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसका जो क्या करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल हार्बर जो है वो किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो यूएसए का एक नौसैनिक अड्डा है पाल हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है? तो कुफरी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोलांग घाट चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे कांगड़ा जिले में जो है वो चोलांग चोटी जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, झांझर किस जिले का जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये प्रसिद्ध नृत्य है झांझर। तो आई होप सब अभी आप सभी को जो है वो वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का नलवाड़ी मेला जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो मेनली आपके पास मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में प्रसिद्ध लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाना नामक स्थान किस जिले में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है मलाना जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का बिस्मार्क कौन था? तो सरदार पटेल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली जो है वो उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक कहाँ का पवित्र किसका पवित्र ग्रंथ है? तो आप सभी को पता है त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ का एक पवित्र, बौद्ध धर्म का जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, हेन सियांग्स। तो आई होप आप सभी ने वीडियो को जो है वो पसंद किया होगा। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस एक ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जहां पे आपको हिमाचल प्रदेश के सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। इसको जो है शिमला से रेगुलेट किया जाता है, और साथ ही जितने भी लाइक आपके पास पटवारी या फिर बैच बात करें हम क्लर्क की, जो IT की बात करें, या फिर साथ ही हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल की बात करें, नायब तहसीलदार, HAS, जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो है वो हिमाचल में होते हैं, उन सभी की जो वो ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है 7591046600 पे जो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।